एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस साबुत चावल के पापड़। तो आज मैं चावल के पापड़ इस टाइप से बनाऊंगी कि इस आइडिया को आपने किसी से नहीं सुना होगा। बहुत ही इजी टेक्निक आज हम यूज करेंगे। तो कहोगे आप कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, तो आज मैं बहुत ही सिंपल आइडिया से बहुत ही हल्के पापड़ बनेंगे आपके, और बनाना इसको बिल्कुल आसान है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं चावल के पापड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम चावल। तो घर में आपके कोई सा भी चावल यूज होता हो वो चावल आप ले लीजिए, मोटा पतला कैसा भी चावल चलेगा। तो चावल को मैंने रात भर के लिए सोक कर दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो फ्रेंड, तो 2 से 3 घंटे भी सोक कर सकते हो आप। तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से पक जाती है और हमारे समय की बचत हो जाती है चावल भीगने देने से। तो मैंने 2 कटोरी चावल लिया है। वजन की बात करूं मैं तो 1/2 kg से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। एक बड़ा सा भगोना ले लिया है और इसमें मैंने पानी ले लिया है 2 गिलास चावल के हिसाब से, 2 कटोरी या 2 गिलास चावल के हिसाब से 5 से 6 कटोरी पानी है। तो अगर आप इस टाइप से नहीं नापना चाहते हो तो समझ लो कि चावल से 2 इंच ऊपर हमारा पानी रहना चाहिए। तो सारे चावल को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसको गैस पे रखेंगे। तो फ्रेंड, फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे और इसे हम कवर कर देते हैं कि फटाफट से उबाल आ जाए। चावल में उबाल आने के बाद 5 मिनट मैंने इसे धीमी आंच पे अच्छे से पका लिया है। 2 से 3 मिनट अभी हम और पकाएंगे इसमें। तब से हम इसमें डाल देते हैं कुछ नमक मसाले। नमक डाल देते हैं। तो नमक स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक इसमें ज्यादा हो जाता है, इसलिए नमक हम हिसाब से डालेंगे। थोड़ा सा हम डाल देते हैं खाने वाला सोडा, इससे पापड़ बहुत हल्के बनते हैं और ये बहुत ही इजिली कहीं भी मिल जाएगा जनरल स्टोर की दुकान में। तो मैंने ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। सभी चीजों को बढ़िया से मिला लेंगे और ध्यान ये देंगे कि नीचे तले में से हमें अच्छे से चलाते रहना है कि तले में चावल हमारा चिपके नहीं, नहीं तो एक बार चावल जल जाएगा तो सारे पापड़ में जले जले का स्वाद आने लगेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखो, जब भी हम चलाएं तो नीचे से इस टाइप से चलाते रहें। थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन होली है भाई तो रंग बिरंगा पापड़ बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी बढ़िया से चला लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आने लगा है, देख सकते हो फ्रेंड चावल कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसे मैं इस टाइप से मिलाती जा रही हूँ कि और भी ये अच्छे से मैसी हो जाए। बिल्कुल इस टाइप की कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप ध्यान से। जब इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कलौंजी। पहले बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे पापड़ काला होने का डर रहता है, तो ऊपर से डाल देंगे फ्लेम ऑफ करने के बाद। आप चाहो तो इसमें मिर्ची पाउडर या काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। तो इसे हम हल्का ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद फ्रेंड देखिए आप इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो ऐसे गोला बनाएंगे तो इस टाइप का बनना चाहिए। तो इस टाइप से हम गोला बना लेंगे हाथों में हल्का सा, मैंने सरसों तेल का यूज किया तो हल्का सा हाथों में तो लगा लेंगे कि चिपके नहीं, और इस टाइप से हम गोला बनाएंगे। गाइस, हम अपने छत पे आ गए, धूप में इस टाइप के प्लास्टिक सीट बिछा लिए हैं, इसमें हम पापड़ बनाएंगे। तो इस टाइप का कोई प्लास्टिक होगा, साड़ी वाला आता है तो इस टाइप का आप ले लीजिएगा। और हल्का सा इसमें हम ऑयल ग्रीस कर देंगे कि हमारा पापड़ चिपके नहीं हाथों की सहायता से। हम एक गोला ले लेंगे, मैं सामने से दिखा रही हूँ, देख लीजिए इतना बड़ा गोला हमें रखना है ये चावल का। और डायरेक्टली हम इस प्लास्टिक पे रख देंगे और ये जो पॉलिथीन मैंने बताया था इसको इसके ऊपर रख के इसे बेलने का भी झंझट नहीं है, इतना आसान तरीका मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। तो इस टाइप का कोई प्लेट ले लेंगे कि नीचे प्लेन टाइप का हो और इसे हम इस टाइप से प्रेस कर देंगे दबाते हुए। कैसा डालेंगे देखिए, कितना गोल मटोल सा पापड़ हमारा रेडी हुआ है। इस टाइप से हम प्लास्टिक को हटा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ बना लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, एक बार बनाइएगा आपके कभी भी पापड़ आपके बिगड़ेंगे नहीं, सारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड। इस तरह से मैं सारे बना ले रही हूँ। सारे पापड़ को मैंने रेडी कर लिए हैं। 3 से 4 घंटे इसे हम धूप में रहने देते हैं, फिर हम आके दिखाते हैं आपको कि पापड़ कैसे बने हैं। और
आप देख सकते हो कि कितने इजीली इस टाइप से हो रहे हैं, पलट जा रहे हैं। तो सभी पार्ट पर को फिर से हम पलट लेंगे। 4 से 5 घंटे हुए होंगे, इसे हम दोनों तरफ से सूखने देंगे 2 दिन तक। इस चावल के पापड़ को 2 दिन मैंने धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिया और ये देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, एकदम होली का मजा दुगना हो जाएगा। किसी भी मेहमान के सामने आप प्लेट में रखोगे तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा लगेगा, क्यों है कि नहीं। कितना प्यारा लग रहा है, कलर एकदम बहुत ही अच्छा आया है इसका, और कितने अच्छे से पापड़ बनके हमारे चावल के तैयार है, और कितनी इजी टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, क्यों फ्रेंड। तो चलिए मैं इसे तल के भी दिखाती हूँ। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को हाई रखना है। चावल के पापड़ तलने के लिए फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे तलेंगे। देखिए फटाफट से ये तलने लग रहा है, बहुत ही बढ़िया पापड़ बनके तैयार होते हैं। और फ्रेंड मेरी तो ये फेवरेट पापड़ है, और आज के बाद आपकी भी फेवरेट होने वाली है। ये पापड़ इतने हल्के फुल्के होते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और देखिए कितना छोटा सा पापड़ कितना बड़ा साइज का हो चुका है। तो इसी तरह से हम पापड़ को तलेंगे और मेहमान भी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, भाई ये पापड़ किस चीज का है और आपने कैसे बनाया। देखिए कितने बड़े बड़े से पापड़ बनके हमारे रेडी हो रहे हैं, कलर भी कितना अमेजिंग साइज का लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी सा पापड़ हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे साल भर आप स्टोर कर सकते हो, कभी भी ये खराब नहीं होंगे। तो गाइज हल्के फुल्के से बहुत ही टेस्टी बहुत ही मजेदार से चावल के पापड़ बनके रेडी हैं, और मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने हल्के फुल्के से पापड़ हैं बनके रेडी हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी। तो एक बार इसे बनाना तो बनता है, बहुत ही सॉफ्ट पापड़ बने हैं। तो इस तरह से आप बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी फ्रेंड तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय।